अस्सलाम वालेकुम लेवल 5। आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, सो लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन द वैल्यू एंड इनवर्ड्स। आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है और उसे इनवर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? हर एक नंबर की एक वैल्यू होती है, अलग से उसी वैल्यू नंबर्स में होती है, उसे जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू को काउंट करना हम लोग राइट साइड से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है राइट साइड पे, वो हमेशा वंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वंस। मैं वहाँ यहाँ पर ऊपर जीरो लिख देती हूँ, सॉरी ओ लिख देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि वंस कहलाता है। वंस के अलावा इसे यूनिट भी कहा जाता है। ओके, अब जो सेकंड नंबर होता है वो टेन कहलाता है। राइट साइड पे जो सेकंड नंबर होता है प्लेस वैल्यू में, वो टेन कहलाता है। जो थर्ड नंबर होता है वो हंड्रेड कहलाता है। हम आगे आगे इस तरह से बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होता है। अब मेरे पास एक ही नंबर है फॉर एग्जांपल, तो ये वंस होगा, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। आगे नंबर में लिखूंगी तो फिर कोई और प्लेस वैल्यू होगी ना, उसकी बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो मैं इसे सिर्फ वंस या तो फिर यूनिट कहूँगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ नाइन लगा देती तो ये वंस तो बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ये टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये वंस ये टेंस। लेकिन मैं अगर यहाँ पर सेवन के साथ जीरो लगाती हूँ तो क्या यही होगा कि ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा? नो, यहाँ पे फिर हम लोग राइट साइड के फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। प्लेस वैल्यू काउंट करना हम लोग हमेशा राइट साइड के फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा यूनिट या फिर वंस कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से नंबर्स जिस तरह से ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, हम लोग उन्हें काउंट करना भी बढ़ाते जाते हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज भी बढ़ती जाती है। जैसे ये थर्ड नंबर है, ये हंड्रेड का। अब ये फोर्थ नंबर होगा, तो फोर्थ नंबर को हमेशा हम लोग थाउजेंड कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वैल्यू थाउजेंड कहलाती है। और जो फाइव होता है, पाँचवा नंबर जो होता है वो टेन थाउजेंड कहलाता है। चाहे वो कुछ भी हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी हो, जीरो भी होगा ना, लेकिन पाँचवें नंबर पर आएगा, फिफ्थ नंबर पर होगा तो वो टेन थाउजेंड कहलाएगा। उसी तरीके से जो सिक्स नंबर पर आएगा वो हमारा कहलाएगा लेक। क्या कहलाएगा? लेक। ओके, अब मैं इसको तरतीब दे देती हूँ, उसको मैं फेरली करके लिख देती हूँ। हमारे पास सिक्स नंबर से, तो मैं यहाँ पर सिक्स लाइन शुरू करूँगी। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सबसे पहले मैं ये वाली नंबर लिखूंगी, लेकिन नीचे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो आप पहले लिख लें, ताकि आप इजी रहे, यूनिट या फिर वंस। ठीक है, ये ओ वंस का होता है और यू यूनिट का होता है। ठीक है, आपको जो मर्जी लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूनिट लिखूँगी। उसके बाद मैंने क्या कहा था, दूसरे नंबर में हमेशा क्या आता है? टेंस। तो मैं यहाँ पर टेंस लिखूँगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास हंड्रेड आता है, चौथे नंबर पर थाउजेंड, एंड फिफ्थ टेन थाउजेंड, सिक्स हमारे पास आ जाता है लेक। छः मैंने लिख लिए, छः नंबर्स थे मेरे पास, मैंने छः लिख लिए। ठीक है, अब पहला मेरे पास क्या है राइट साइड पे? नाइन। उसके बाद वन, टेंस की लाइन में क्या आ गया? वन। तीसरा मेरे पास है टू, तो टू हंड्रेड की लाइन पर आ गया। चौथा मेरे पास थाउजेंड, थाउजेंड की लाइन में क्या होगा? जीरो। थाउजेंड की लाइन में मेरे पास क्या हो जाएगा? जीरो। अब टेन थाउजेंड में क्या आ रहा है मेरे पास? फाइव। पाँच सौ मेरे पास फाइव है, तो वो टेन थाउजेंड की लाइन में आ रहा है। मेरे पास लास्ट है लेक। उस तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे, फोर लेक फिफ्टी थाउजेंड 290। अब मैं यहाँ पर आपको इजीली पढ़ के दिखाती हूँ, ताकि आप यहाँ पर इजीली इसे पढ़ सकें। नंबर्स को पढ़ना कैसे होता है? फोर लेक, ये लेक के उसमें आ रहे हैं, और ये क्या है? फोर लेक की लाइन में है, और फोर है, फोर लेक फिफ्टी थाउजेंड। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल टू होता, तो मैं बोलती फिफ्टी टू थाउजेंड। टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड को मिला के मैं कहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है, इसलिए मैं फिफ्टी थाउजेंड कहूँगी। ठीक है, फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड, टू
हंड्रेड एंड 19. यहाँ पे मैं एंड लगाऊँ क्योंकि मेरे पास ये लास्ट वर्ड है, ठीक है. टेंस के उसमें आ रहा है तो मैं यहाँ पर यूनिट और टेन को मिला दूँगी, ठीक है. 19 फोर लेक 50,219. 10,000 और 1,000 को मिलाना होता है, 10 और यूनिट को मिलाकर पढ़ना होता है. इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पर वैल्यू में लिखूंगी, सॉरी वैल्यू में तो मैंने लिख दिया, इन वर्ड्स में आपको मैं लिख के दिखाऊंगी. लुक एट हियर, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये क्या है, फोर लेक. पहला नंबर क्या आता है? फोर लेक. फोर लेक तो मैंने यहाँ पर पढ़ा और मैंने लिख दिया. फोर लेग में पढ़ रही हूँ, फोर लेग में लिख दूंगी लेकिन स्पेलिंग के साथ लिखूंगी. नंबर्स में लिखा था मैंने लेकिन अब मैं स्पेलिंग के साथ लिखूंगी. फोर लेग. फोर लेग के बाद मेरे पास क्या आ रहा है? 50,000. मैंने आपको बताया था 10,000 और 1,000 को मैं मिक्स करके यानी मिला के पढ़ूंगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा? 50,000. फोर लेग 50,000. अब ये 100 है, 200. 100 की लाइन में 2 आ रहा है तो मैं बोलूँगी 200. 100 की लाइन में 2 आ रहा है तो मेरे पास हो जाएगा 200. अब जब इन दोनों को मिला के लिखना है और ये लास्ट है मेरे पढ़ने में तो मैं यहाँ पर एंड लगा दूँगी, ठीक है. एंड 19. 10 और यूनिट को मिला के पढ़ेंगे. 19. फोर लेक, फोर लेक. 50,000. 10 और 1,000, 10,000 और 1,000 को मिला के पढ़ेंगे. 50,000. 200. अब 10 और यूनिट में आएगा 19. लेकिन मैंने कहा था लास्ट वर्ड में एंड लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर एंड लगाया क्योंकि 10 और यूनिट को मिला के पढ़ते हैं. तो ये क्या है? 19. इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं नंबर 2 पे. नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा. 6 नंबर से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मैं 6 लाइंस लगाऊंगी. 6. ओके, उसी तरीके से लिख दूंगी जैसे मैंने ऊपर लिखा था. 10 यूनिट, फिर 10, फिर 100, देन 1,000, 10,000 और लास्ट में मेरे पास क्या था? लेक. अब नंबर्स चेंज हो गए मेरे पास. ऊपर मेरे पास कोई और नंबर थे, नीचे मेरे पास कोई और नंबर है. नंबर्स मेरे पास चेंज हो गए. अब यहाँ पर यूनिट में क्या आ रहा है मेरे पास? 5. पहला नंबर मेरे पास क्या है? 5. अब दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? 7. यानी टेंस में मेरे पास क्या आ जाएगा? 7. अब थर्ड नंबर मेरे पास है 6. 100 में मेरे पास क्या आ जाएगा? 6. उसी तरीके से 1,000 में मेरे पास 0 है और 10,000 में भी मेरे पास 0 ही है. अब लास्ट मेरे पास 9 बचा और लास्ट में लेग बचा. लेग वाली लाइन में मैं क्या लिखूंगी? 9. अब मैं इसको नंबर्स में आपको पढ़ा देती हूँ. लेग है यहाँ पर और यहाँ पर लाइन है तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी 9 लेग. पढ़ना हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लेके जाएंगे. फिर लाइक 9 लेग. 9 पढ़ा मैंने, फिर मैंने लेग पढ़ा. अब यहाँ पर 0 0 लगे हैं तो मैं 10,000 और 1,000 को तो पढ़ ही नहीं सकती, उन्हें ब्लेंड कर ही नहीं सकती. 600 लिखा हुआ है, 600, ठीक है. मेरे पास लास्ट नंबर है दोनों को क्योंकि मुझे मिला के पढ़ना है, ब्रैंड करके पढ़ना है तो मैं यहाँ पर एंड पढ़ूँ. 675. टेंस की आवाज़ हमें इस तरह से पता चलेगी कि 20, 30 इस तरह से ही टेंस हो जाता है और 5 सिंगल 75. इज इट क्लियर? अब मैं इन्हें इन वर्ड्स में लिखूंगी. 9 लेग. 0 0 लिखा हुआ है तो इसलिए मैं इन्हें लिखूंगी भी नहीं.
क्योंकि मेरे पास 9 लेके और 10,000 में मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैंने लिखूंगी भी नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। अब उसके बाद डायरेक्ट 600 पर आ जाएंगे, 9 ले 600 एंड, यहाँ पर एंड लगता है एंड 75 में हमेशा मिला के पढ़ेंगे और मिला के ओके। इस तरह से आपने बाकी सम्स भी सॉल्व करने हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे पार्ट टू पर। ओके, सेकंड पार्ट हमारे पास है गिव द वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। यहाँ पर मैंने कलर नहीं किया क्योंकि ये बोर्ड है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कलर नहीं किया, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा नंबर हमें उसे उसकी वैल्यू मालूम करनी है किस नंबर की, मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब वैल्यू मालूम करनी है हमें, तो वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग पार्ट वन में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बॉक्स बनाते हैं वैल्यूज मालूम करने के लिए, तो उसी तरीके से वैल्यू मालूम करने के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो हमें डायरेक्ट बॉक्स बनाएंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से हमारे पास, इसलिए मैं 5 लाइन्स ड्रॉ करूँगी यानी 5 बॉक्सेस बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दूँगी, यूनिट 10, 100, 1000 एंड नंबर 5 पे हमेशा क्या आता है 10,000। ये आपने नंबर्स याद रखने हैं कि नंबर 1 में आपको यूनिट लिखना होता है, 2 पे 10 होता है, 3 पे 100, 4000 एंड 5 10,000, ये आपको याद रखना होता है ठीक है। अब यूनिट के नीचे सबसे पहले नंबर क्या है 9, तो मैं यूनिट के नीचे 9 लिखूंगी। 9 के बाद मेरे पास क्या है 6, तो 6 किसके नीचे लिखा मैंने 10 पे, 6 के बाद मेरे पास है 5, 100 के नीचे मैंने 5 लिख दिया, उसी तरीके से 1000 के नीचे 1 और 10,000 के नीचे 4 लिख दिया। अंडरलाइनिंग किसके नीचे थी मैंने, की थी मैंने 5 के नीचे ठीक है। अब आप लोग इस तरह से करते तो आपको मुश्किल लगता क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ता, फिर एक एक चीज़ को काउंट करना पड़ता। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि 100 वाले कॉलम में 5 है, तो यहाँ पर नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 500 ठीक है। इसी तरीके से हमने पढ़ना है 500 क्या वैल्यू है 5 की 500। अगर हम इसको नंबर्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 5 के साथ 00 आ जाएगा ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यू लिखनी है। अब नंबर 2 भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। नंबर 2 में भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, पहले कॉलम बनाएंगे हम लोग, मेरे पास नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास नंबर है, मैं लाइंस भी 6 ही लगाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूंगी वैल्यूज, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड लास्ट इज लेंथ। यूनिट नीचे सबसे पहले नंबर क्या आ रहा है 1, तो मैं 1 लिख दूंगी। 1 के बाद आ रहा है मेरे पास 6, फिर 0 आ रहा है, देन 9, 2 एंड 3। अंडरलाइनिंग किस पे, मेरे पास 9 के नीचे, 9 के नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगी और साफ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर 1000 की वैल्यू में आ रही है। 9 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1000 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9000। नीचे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना 9000 ठीक है। इसके बाद मैं नंबर्स में लिख दूंगी 9, मैंने 9 लिखा, 1000 के साथ 3 जीरोस लगते हैं तो मैं 3 जीरोस लगा दूंगी ठीक है 9000। इसी के साथ आप यहाँ पर एंड करते हैं, आपने बाकी क्वेश्चन हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।